फैसला रद्द सकती है सरकार का। इस तरीके पिंड दे विच ग्राम सभा सरपंच ये मान लो कि मुख्यमंत्री आ, पंच जिहड़े मंत्री आ, ग्राम सभा हैगी आ असैंबली, असैंबली सरकार का फैसला रद्द सकती है ते ग्राम सभा पंचायत का फैसला मता रद्द सकती है। सो ये ग्राम सभा का इजलास असी DDPO साहब नू भी कहता भी वह नियम अनुसार भी पा के दे देंगे, तुहानू ऑलरेडी भी पाता होया, पर असी जमीन किसी भी कीमत के उत्ते जिहड़ी वह किसी इंडस्ट्री नू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा मैं सुन रहा सी तुहानू कह के गए आ सत्कारयोग DDPO साहब कि ये सिर्फ जिहड़े नजायज़ कागजकारां दे वास्ते ही ये हैगा, एक जिहड़ी जमीन आ वो दिती जा सकती है। ये मैं पहला थोड़ी हाजरी के भी कोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने की कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करता, सुप्रीम कोर्ट का फैसले की कापी लिंक मैं थोड़ू दे देना पढ़ लिया, उन्होंने डिफाइन करता भी ये जी पंचायती जमीन है ना ठेके से ना बेची जा सकती है, पहली गल। दूसरा उन्होंने डिफाइन किया भी पंचायती जमीन किहड़े परपज लई यूटिलाइज हो सकती है वरतों, तो कोई सरकारी स्कूल हैगा, सरकारी डिस्पेंसरी है, कोई खेड का मैदान हैगा, दलित भाईचारा जिहड़ा पिंड दे अंदर गरीब आ उहनूं मकान बना के देण वास्ते, किसी दलित परिवार ने दलित लोगों ने कोई उत्थे अपनी धर्मशाला जंज घर उहनां वदी बेहतरी वास्ते, ये डिफाइन बाय सुप्रीम कोर्ट है। हुण ना तां साडी स्टेट की असैंबली, ना देश की सरकार, ना स्टेट की गवर्नमेंट वो सुप्रीम कोर्ट तो उत्ते नहीं हैगी। एंड इस हुक्म दे विच जस्टिस मारकंडे काटजू ते जस्टिस सुधा मिश्रा, ज्ञान सुधा मिश्रा होरां ने देश दे अंदर सारे स्टेटां दे चीफ सैकटरियां नूं एंड यूटी यूनियन टैरिटरी केंद्र शासित प्रदेशां दे चीफ सैकटरियां नूं आदेश कीता भी तुसीं हर साल अपनी स्टेट दे अंदर जिहड़ी पंचायती जमीन है, चाहे वह मुश्तरका मालकां जुमला, चाहे वह दे शामलाट, उहदी रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट नूं भी कितने कोई लैंड माफिया गवर्नमेंट ने हैंड एंड ग्लव्स हो के लैंड माफिया लोगों को कौडिया के भा से जमीन देने वास्ते कोई राह रस्ता तो नहीं अख्तियार कर लिया। हुण तुहानू मैं असली गल दसदा, ये तुरे क्यों इस पासे नू, बादलों का सुख जिहड़ा सुख विलास आ वो पंचायती लैंड के उत्ते बनया होया, 45 एकड़ मैं थोनों अपनी गड्डी दे विच मेरे को शजरा पिया, मेरे को फरदा पईआं ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह दा जिहड़ा महल नवां बणिया नवें चंडीगढ़ दे विच शिवालिक दीआं पहाड़ियां दे पैरां दे विच, ओह पंचायती जमीन ते बणिया, ओह अपनी पंचायती जमीन कौडियां दे भाअ ते खरीद के अरबां रुपये दी इनवैसटमेंट उहदा भविख सुरक्षित करन वास्ते हथ ठोके बणाए होए इहनां ने सारे। सो इह अज साडी बेनती मन के जिहड़ी संगत रूप बेनती सी लोकतंत्र दी, चले गए पोस्टपोन करता, जिहड़े सनअतकार आए ओह वी समझ गए, मैं खुद इंडस्ट्रीलिस्ट आं, मैं इंडस्ट्री दा विरोध नहीं करदा, इंडस्ट्री लाओ जम जम के, पर वो इंडस्ट्री लाओ 2013 दे LARR कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब नूं मैं चिट्ठी लिखना आ कि राहुल जी तुहाडी पार्टी ने देश पदरी एक क्रैडिट लिया कि असी 2013 दे विच लैंड एक्विजिशन एक्ट लैके आए कि असी पंचायती जमीन अधिग्रहण नहीं होण देवांगे, ते तुहाडी पार्टी दा मुख्यमंत्री तुहाडी पार्टी दी कैबिनेट ऑडियंस पास कर रही है। आ मैं एक चिट्ठी लिखी है जिहड़ी इहनूं अपने पैड दे उत्ते राहुल गांधी नूं लिख रहा भी ये तुहाडी पार्टी का मुख्यमंत्री की तुहाडी पार्टी की पॉलिसी तो उत्ते हो गया। आ मैं उन्हां नूं लैटर लिखिया, इहदे विच मैं जिहड़ा राहुल गांधी का ऑफिशियल पेज हैगा rahulgandhi.in उहदे तों उन्हां दी स्टेटमेंट लई आ, उन्हां दे ऑफिशियल पेज दे उत्तों कि कांग्रेस पार्टी देश पदरी उन्हां दी पॉलिसी की हैगी आ, ते कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी की पॉलिसी तो वब नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह सिर्फ तो सिर्फ जाति तौर के उत्ते जिहड़ा महल बन गया पंचायती जमीन के उत्ते, बादलों का सुख विलास बन गया पंचायती जमीन के उत्ते, अरबां रुपया लग गया उहदा भविख सुरक्षित करन वास्ते, पंजाब की 1,53,000 एकड़ जमीन नूं कौडियां दे भाअ दे उत्ते लैंड माफिया लोगों नूं देण दीआं स्कीमां कढ़दे आ, पंजाब दे लोक कदे भी प्रवान नहीं होण देणगे। ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਮੰਡ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਵੀ ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ
मिली भुगत करके लैंड देती ठेके दे उत्ते लीज दे उत्ते एंड जिदन फैक्टरी तो धुआं निकल गया पंचायत दे मारी टूए लत एक दवानी नहीं दे रहे वो लोग। मैं क्या डी डी पीओ भी चल पहला जाके उन्होंने पंचायतों को पैसे दवा जिथे ऑलरेडी फैक्ट्रियां लग गई जिदन फैक्टरी चल पी मुड़ के तू कौन ते मैं कौन। तुसी समझ सकते हो पंचायती विभाग जां पंचायत इन्हां कारखानेदार अमीर धन कुबेरां दे हो कोर्ट दे विच केस ही नहीं विचारे लड़ सकणगे। सो असी फिर सनिमर बेनती करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन नूं भी सुप्रीम कोर्ट दे विच डफामेशन थोड़े ते हो जाणी आ समेत चीफ सैकटरी एंड डी सी जे डी डी पी ओ नहीं हटूगा तो समेत डी डी पी ओ ये सारे लोग सिर्फ तो सिर्फ सरकार का समा बखती हुण चले गए थोड़े सामने। सो इन्हां नूं भी अपील हैगी आ तुसी साडे चों पंजाब दी असल जिहड़ी रीढ़ की हड्डी है ना वो पिंडां दे विच पंचायती लैंड आ जे खत्म हो गई तो सानूं जो साडे पंजाब दा पंजाब जिहड़ा कंसैप्ट सीगा साडे बजुर्ग पुरखे सानूं दे के गए वो खत्म हो जाणा। अपनी पार्टी दी नीति पॉलिसी प्रोग्राम दी भी लंघना। मैं जिहड़ी राहुल जी नूं चिट्ठी लिखी है इहदे विच इही है कि तुहाडा पॉलिसी प्रोग्राम देश वास्ते की है ते तुहाडी स्टेट कांग्रेस दा मुख्यमंत्री ते कैबिनेट की कर रही है वो देश के दे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के भी विरुद्ध हैगा ते वो जिहड़ी कांग्रेस पार्टी हाईकमांड पॉलिसी आल ओवर इंडिया वास्ते आ उहदे भी विरुद्ध हैगा। ਕੀ ਇਕੜ ਰਕਬਾ ਸੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਰ ਜੀ ਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰ ਜੀ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਪੋਸਟਪੋਨ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਚ ਆ ਜੂਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮਤਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਆਊਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ 33 ਸਾਲੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ 33 ਸਾਲੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਅਪ ਟੂ 33 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੀ